हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आरसीबी अपना तीसरा मैच आईपीएल 2023 में 10 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने वाली है। इस मैच में टीम की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, कौन से खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं यहां पर, इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से नए खिलाड़ी हमें प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, कुछ बड़े चेंजेस भी होते हुए दिखाई देंगे बैटिंग ऑर्डर में, एक एक खिलाड़ी के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि 11 खिलाड़ी कौन से होंगे जो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से तीसरे मैच में आरसीबी टीम की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वहीं चैनल पर नए आए हो और आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लगातार पाना चाहते हो तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिएगा ताकि यहां से आपको डेली अपडेट मिलती रहे। वहीं दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओनली आरसीबी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर यार उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर ही आपको आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक न्यूज़ डेली और सबसे पहले मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरसीबी ने पहला मुकाबला जीतने के बाद दूसरे मैच में बुरी तरह हार गई केकेआर के सामने। 81 रनों के हार के बाद टीम को नेट रन रेट के आधार पर बहुत तगड़ा झटका लग चुका है, जहां पर इनका रन रेट जो है माइनस में आ चुका है। अब टीम को कई मैचेस अच्छी तरह से जीतने पड़ेंगे ताकि इनके रन रेट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए, इसके अलावा इनकी कॉन्स्टेबल में पोजीशन भी थोड़ी सी ऊपर आए। तो कहीं ना कहीं आरसीबी टीम तीसरा मैच जीतने की फिराक में रहेगी। लखनऊ के खिलाफ यह मैच खेला जाना है। आरसीबी टीम के लिए खुशखबरी यह है कि हसरंगा इस मैच में खेलने वाले हैं, वो कमबैक कर लेंगे आरसीबी टीम में। इंटरनेशनल ड्यूटी की वजह से वो दो मुकाबले नहीं खेले थे, लेकिन 10 अप्रैल के लिए सिलेक्शन के लिए पूरी तरह से अवेलेबल रहेंगे और खेलते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक दोस्तों चांसेस हैं, शायद से विल्ली या फिर बैसल बाहर जाएंगे, उनकी प्लेस पर ही हसरंगा आने वाले हैं प्लेइंग 11 में। और क्या चेंजेस होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और एक चेंज हमें यहाँ पर होता हुआ ये दिखाई दे सकता है कि हर्षल पटेल या फिर आकाशदीप की प्लेस पर टीम जो है सिद्धार्थ कौल या फिर अविनाश सिंह को मौका दे सकती है, इनको आजमा सकती है। आकाशदीप का परफॉर्मेंस कुछ इतना अच्छा नहीं रहा दो मैचों में, इसके अलावा हर्षल पटेल लगातार महंगे साबित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरसीबी टीम किसी और दो गेंदबाजों को मौका देना चाहेगी, जो कि होंगे सिद्धार्थ कौल या फिर अविनाश सिंह। अब हम बात करें फाइनल प्लेइंग 11 की, तो कुछ प्रकार से हो सकती है, जहाँ पर दोस्तों ओपनर सेम होंगे, ओपनर्स होंगे इनके विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी। इसके बाद नंबर 3 पर यहाँ पर कुछ बड़ा चेंज हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है, शायद से शाहबाज अहमद भी खेल सकते हैं या फिर लोमरोर को चांस मिलता है तो वो भी हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर बाई चांस ब्रेसवेल बाहर जाते हैं, हसरंगा आएंगे तो ब्रेसवेल बाहर जाएंगे, इस लिहाज से ही हमें शाहबाज अहमद या फिर लोमरोर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ब्रेसवेल रहेंगे टीम में तो वही खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर मैक्सवेल हो जाएंगे, 5 पर वहाँ पर दिनेश कार्तिक, 6 पर शाहबाज अहमद, 7 पर दोस्तों वहाँ पर हो जाएंगे हसरंगा जो टीम में आ जाएंगे, तो इसके बाद 8 पर खेलते हुए दिखाई देंगे वहाँ पर कर्ण शर्मा, 9 पर अगर हर्षल पटेल नहीं खेलते हैं तो उनकी प्लेस पर सिद्धार्थ कौल भी खेल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर पर आकाशदीप की प्लेस पर अविनाश सिंह खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, वहीं 11वें नंबर पर सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये मेरे हिसाब से होने वाली आरसीबी टीम की कुछ प्लेइंग 11, जहां पर हमें बड़े चेंजेस होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अविनाश सिंह, सिद्धार्थ कौल जैसे गेंदबाजों को इस मैच में चांस दिया जा सकता है, इसके अलावा हसरंगा की एंट्री तो हो ही रही है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।